ऐसे चैलेंज इसमें की है कि आज 2 साल से हम लगातार कोविड के संकट से घिरे हुए हैं। ये एक जागतिक महामारी है, हम सभी जानते हैं। और आज इस 2 सालों में जो पिछले कई सालों से जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ का जो काम होना चाहिए था वो शायद कम था, अधूरा था, तो ये 2 सालों में वो पूरा ज़्यादा करने की कोशिश भी की गई क्योंकि डिमांड बढ़ गए। और मुझे लगता है कि आज भी हम उसी महामारी से गुजरते हुए प्रायोरिटी, जो भी चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसे हम फेस करते हुए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ज़रूर इस पे हमारा पूरा दायित्व निभाने की, और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब खुश रहे, सब जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत हो, तो हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। और ज़रूर चैलेंजेस अलग अलग है, तो इसी चैलेंजेस को लेके हेल्थ के लिए बहुत ही चाहे वो रूरल एरिया हो जहाँ पे आज थोड़ी सुविधाएं नहीं है हेल्थ की जैसी होनी चाहिए थी, तो ये सब ध्यान में रखते हुए ज़रूर काम करेंगे। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि यहाँ तक जो मुझे आने के लिए सभी ने आशीर्वाद दिए हैं, वो मैं नासिक ज़िले से आती हूँ, मेरा क्षेत्र हो उन सभी का, और यहाँ तक आने में मुझे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, आदरणीय गृहमंत्री अमित भाई शाह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है, हमारे ऑनरेबल गडकरी साहब है, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस है, आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल, मतलब इतने सारे सभी हमारे मार्गदर्शक है, लीडर्स है, तो उन्होंने हमेशा एक काम लगन से करने की और हमेशा अंत्योदय तक पहुंचने की हमेशा राह दिखाई है। तो मुझे लगता है ज़रूर यही हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये करने के लिए ज़रूर काम करेंगे। मैम, जैसे कि दोबारा से एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं कोविड को, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? जी ज़रूर, कोरोना का संकट अभी गया नहीं है। केसेस वैसे तो अभी थोड़ा सेकेंड वेव में अचानक से बढ़ गए थे, और अभी फिर से जैसे ही अनलॉक की तरफ हम जाते हैं तब थोड़े केसेस बढ़ने लगते हैं। मैं तो यही विनती करूंगी आपके माध्यम से कि अभी भी आप सब सतर्क रहे, मास्क के बिना कहीं मत बाहर निकले, 2 गज की दूरी और हमेशा साफ सफाई, हाथ की सैनिटाइजर यूज़ करना हो, ये बातों को ध्यान में रखते हुए, और ज़रूर न होने पर बाहर ही ना निकले, क्योंकि अभी भी आज जितना हम सेफ्टी मेजर्स को अपनाएंगे उतना ही हमें फ़ायदा ही होगा। और आज एक भारत देश ने वैक्सीन का सब तक पहुंचाने में सफलतापूर्वक प्रयत्न किया है, तो वो एक रिकॉर्ड बन चुका है कि आज हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर सबके लिए सब वैक्सीन पहुंच रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन लग रहे हैं, कैंप लग रहे हैं, हमारे किसी गांव में हो तो वहां तक लोग पहुंच के वैक्सीन ले रहे हैं। और एक ये बड़ी बड़ी पहल है, ये एक भारत का बड़ा कदम है कि भारत ने हमारे वैक्सीन हमारे देश ने अच्छे पहले बनाए भी और ये वितरित भी हो रहे और लोगों को उससे सेफ्टी भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये सब ये जो है रिसर्च हो, तो माननीय मोदी जी ने यही कहा है कि वो जल्दी करना भी चाहिए और पहुंचना ही।